हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू पोकेमोन एश ग्रे वर्जन में यार। और आज हमारी कहानी पूरी होने वाली है, यानी पिक्चर जो अधूरी रह गई थी अगली बार, और उसे पूरा करना जरूरी था मेरे लिए यार, इसलिए मुझे उसे पूरा करना पड़ेगा। तो चलते हैं बिना देर किए हुए विरिडियन सिटी में, और तुम्हें कुछ खास चीज़ें दिखाने पड़ेगा मुझे। पहले चलते हैं विरिडियन सिटी, फिर बताता हूँ धीरे धीरे बताते रहूँगा मैं कि क्या होने वाला है आज आगे। तो वीडियो पूरी देखना यार, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कुछ खास चीज़ें होंगी इसमें। तो तुम लोग को याद होगा यार, जिसने एपिसोड देखा है इसके पीछे, यार नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में देख लेना, लिंक मिल जाएगा तुमको। तो क्योंकि उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो सबसे पहले देखो भाई, इधर हम लोग यहाँ रूट 18 नहीं, तो इस बंदे से हमने बात की थी, तुमको याद होगा, थोड़ा सा फिर बात कर लेते हैं। तो इसने कहा था कि देखो, आई एम सॉरी बट ए पोकेमोन नीड्स अ सर्टेन करिश्मा टू स्टार इन द पिक्चर। तो कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा पोकेमोन जो है जिसके अंदर करिश्मा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे स्क्वाटल है, तुम्हारा पिकाचू जो है इतना अच्छा नहीं है। फिलहाल मैंने स्क्वाटल को आगे रखा है, तो इसलिए स्क्वाटल के बारे में ही बोल रहा है। तो उस टाइम तो मैंने पिकाचू को रखा था, तो पिकाचू के बारे में ऐसा ही बोल रहा था ये। तो यार मुझे इसका रीजन मिल गया कि कैसे हम लोग ये पिक्चर कंप्लीट करेंगे। तो अपने पोकेमोन के अंदर हमें करिश्मा चाहिए, करिश्मा ये सब चीज़ जो मांग रहा है, करिश्मा स्ट्रांग होना चाहिए। साफ साफ कह रहा है कि भाई तेरे पोकेमोन की औकात नहीं है हमारे सामने टिकने की। तो वही बोल रहा है मुझे, इसको अपनी औकात थोड़ी दिखानी पड़ेगी हमें कि अपने पिकाचू की क्या औकात है। तो यह देखो, बेसिकली सिंपल करना ये था अपने को कि जाना था इन अलग अलग शहरों में, वो दिखाता हूँ। और कई सारे अलग अलग शहर हैं, जैसे कि ये देखो, एक अपना प्यूटर सिटी, वो याद होगा प्यूटर सिटी, यहाँ पर खुफिया खुफिया घर हैं। और खुफिया खुफिया घर के अंदर जो ना ये बंदे हैं, अब ये बंदे जो है अपने पोकेमोन को स्ट्रांग कर सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए एक खास चीज़, जिस खास चीज़ का नाम है शार्ड। ये देखो भाई, मैंने बैग में शार्ड रखे, देखो मेरे पास एक रेड शार्ड है, एक ग्रीन शार्ड है, एक ये ब्लू शार्ड है, एक येलो शार्ड है। वैसे मेरे पास चार शार्ड हैं, बट ज़रूरत अपने को तीन की ही है, यानी कि येलो की है और ग्रीन की है शायद, और रेड की तीन की है, तीन बंदों से मिलना है। तो अब तुम कहोगे भाई ये शार्ड कहाँ से मिली, क्योंकि बिना इसके ये बंदे अपने को पकौन को ताकतवर नहीं बनाएंगे। तो मैं बता देता हूँ तुमको कि मेरे को ये शार्ड मिली कहाँ से थी। तो हम लोग गए थे यार प्यूटर सिटी के, तुमको याद होगा ये एम्प्टी मून केव, तुमको याद होगा। तो यहाँ पे तुमको जाना, मैं भी यहीं पे गया था और यहीं पे मैंने बहुत करेक्ट किया। तुम लोग यार, कुछ लोग कहोगे भाई तूने चिट लगाई है, इसलिए यार तुमको भी मैं ऊपर, तुमको आई बटन में दिख रहा होगा, अभी तुमको दिखाऊंगा मैं, ऊपर आई बटन में तुम्हारे सामने लिख के आ रहा होगा। देखो भाई, सबसे पहले मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा कि कह रहा हूँ ऊपर स्क्रीन शॉट आ रहा होगा मैंने कि रेड शार्ड मुझे कहाँ से मिली थी। मैं तुमको दिखाता हूँ कि रेड शार्ड मुझे कहाँ से मिली थी, लेकिन उससे पहले मैं बैग से लगा लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर रैपर, मैक्स रैपर अपने पास था शायद, ये रहा। मैंने बहुत सारे मैक्स रैपर खरीद लिए थे क्योंकि यार बहुत ज़रूरत थी इसकी। तो भाई मैं गया था इस तरफ सबसे पहले, और दिखाता हूँ तुमको, इस तरफ गया था इस सीढ़ी से बाहर, और ये बंदा, इसको मैंने हराया है। तो भाई यहाँ पे जब मैं गया था ना, तुमको ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में, मैंने इस पर जब ऐसे पिक्स एक से तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें एक आइटम मिलता है, तो मुझे यहाँ से ब्लू शार्ड मिली थी समझे, और एक बार में नहीं मिली भाई, मैंने 3 घंटे मेहनत की पूरी, इसलिए मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया था अपने मोबाइल से, आगे तुम लोग को दिखा सकूँ मैं, वरना यार कुछ लोग तो कहेंगे कि भाई तुमने तो चिट लगाई है। तो भाई मैंने चिट नहीं लगाई है, और बाकी के शार्ट, बाकी तीन मुझे यहाँ से मिले थे, बाकी तीन शार्ट मुझे यहाँ मिले थे। देखो बताता हूँ तुम्हें, रैपर ख़त्म हो गया सॉरी, तो रैपर लगा लेते हैं हम लोग। तो यार ध्यान से सुनना, तीन शार्ट कहाँ मिले, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तीन शार्ट की आगे वाले टाइम पे। ये देखो यहाँ पे गए और इस जगह को कट करो, तो यहाँ पे कुछ आइटम देता है। देखो भाई ये भी अभी नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, मेरे बैग फुल है या कुछ होगा इधर, अभी देगा आइटम, देखो क्यों नहीं दे रहा यार आइटम ये। तो भाई देखो यहाँ पे मुझे, देखो भाई हट सन, देखो ब्लू शार्ड देखो मुझे मिली। तो भाई ब्लू शार्ड वैसे मुझे वहाँ मिली थी, यहाँ मुझे मिली है ग्रीन शार्ड, येलो शार्ड और रेड शार्ड। मुझे जहाँ तक कि मुझे याद है, मुझे येलो शार्ड यहाँ से मिली है इस जगह से, तुम्हें ऊपर दिख रहा होगा अभी स्क्रीन शॉट में, और जो रेड शार्ड थी वो भी मुझे यहीं से मिली थी शायद। हाँ मुझे रेड शार्ड और येलो शार्ड इसी जगह से मिली है, और जो मेरी ग्रीन शार्ड शायद वो मुझे यहाँ से मिली थी। इन सब जो पत्थर, छोटे छोटे चट्टान है ना, इनको तुम्हें पिक एक से काटना पड़ेगा, तुम्हें अलग अलग आइटम मिलते हैं, पैरालाइज ये सब मिलता है, तो इसी के बीच में तुम्हें रेड शार्ड मिलेगी और बाकी सब शार्ड मिलेगी, मतलब ब्लू येलो ग्रीन और रेड चारों मिल जाएंगी। बट यार सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी तुमको रेड को ढूंढने में, क्योंकि भाई रेड जल्दी नहीं मिलता है तुमको। अगर तुम यूट्यूब पर वीडियो उठा के देखोगे, मैंने सर्च किया था कई सारी वीडियो, तो वहाँ पर वो बंदे बता रहे हैं कि मतलब चिट लगाओ, चिट के बिना कोई बता ही नहीं रहा भाई कि कैसे मिलेगी। कुछ लोगों को मिल गई लेकिन उनको भी रेड नहीं मिली, ब्लू मिली, येलो मिली, ग्रीन मिली,
बट रेड नहीं मिली, रेड मुझे यहीं से मिली थी, तुमको ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन शॉट पे, तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, प्रूफ कर दिया, मुझे यहीं से तीनों चीज़ें मिली हैं। तो तुम भी यहाँ पे आके इन सब पत्थरों को तोड़ना, मुझे 3 घंटे लगे थे पूरे भाई, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बहुत चीज़ें मिलती है, डर्ट किट, फालतू चीज़ें मिलती रहती हैं बहुत सारी, तुम सबको तुम बेच सकते हो जाके पोकेमॉन सेंटर, मतलब सॉरी पोकेमॉन मार्ट में। तो मैं भी वही गया था, बेच के आया था वहाँ से। मैं भी यहाँ से जाओ, सेरेलियन सिटी का रास्ता यही है, बेच के आना भाई। तो भाई अब तुमको बता दिया मैंने कहाँ से मिली मुझे सब शार्ड, अब चलते हैं सीधे अपने काम पे यार, जो अपने पोकेमॉन को अपने ट्रेन करना है, यानी उसको बनाना है कि वो भी अपनी ताकत दिखा सके भाई, कि उसके अंदर भी औकात है कि वो भी एक हीरो बन सकता है, अपने पिकाचू। फिलहाल मैंने आगे रखा है अपने इस क्वार्टल को, क्योंकि तब से मैंने गेम को वहीं छोड़ दिया था, उसके बाद भी खेला नहीं, मतलब शार्ड मिलने वाली थी तो मैं इस क्वार्टल को ही लेके गया था एम्प्टी मून में, क्योंकि इफेक्टिव है ये रॉक के खिलाफ। तो अब चलते बिना देर के, सबसे पहले हमें जाना था प्यूटर सिटी में, तो वहाँ एक एक बंदे को हमें शार्ड देनी है, तो बदले में वो अपने पकवान को कुछ खास ताकत देगा वो। तो भाई अपने चलते हैं प्यूटर सिटी में, प्यूटर सिटी। भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो सकता है तुम लोग को, अरे बहुत ज़्यादा बोल दिया भाई तूने, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। हाँ भाई बोल दिया, मुझे क्या किया, कुछ छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम लोग कहोगे भाई बताया नहीं सही से, इसलिए मैंने रुका नहीं, बिल्कुल बोलता चला गया। भाई ये बंदा सबसे पहले तुमको याद होगा, हेलो देयर यंग गन, आई एम टफ टीम, आई रेज माई पोकेमॉन टू बी एज टफ एज ऑर्डिनरी। तो इसने अपने पोकेमॉन को टफ बनाया है ऑर्डिनरी से ज़्यादा। आई वुड लाइक आई कैन हेल्प टफन अप योर पोकेमॉन टू फॉर द, देखो भाई ये येलो शार्ड मांग रहा है अपने से, तो अगर इसको येलो शार्ड हम लोग दे देंगे तो भाई ये अपने पोकेमॉन को एक स्ट्रांग बनाएगा। तो बनवाते हैं अपने पिकाचू को यहाँ पे स्ट्रांग, क्योंकि उन्हें पिकाचू की अब बेइज्जती कर दी थी उसने यार, जो भी वो बंदा था उसका नाम स्कॉर्पियन जो भी कर, अजीब सा नाम था उसका भी। तो येलो शार्ड हमने दे दिए, बेसिकली 3 शार्ड की ज़रूरत है, एक येलो है, एक अपने पास फालतू है, इसका मतलब रेड की ज़रूरत पड़ेगी भाई पक्का है, बट बाकी फालतू हैं। दूसरा अपनी भाई सैफ्रॉन सिटी, जिसको हम लोग साइकिक सिटी भी कह सकते हैं, डरावनी डरावनी सिटी है एकदम से वो। यहाँ पे एक बंदा अपने को मिलेगा जिसे देनी है, अपने को ढूंढना पड़ेगा उस बंदे को पहले। उन लोग का घर एकदम अजीब तरीके का होता, सबसे अलग होता है उन लोग का घर, ये नहीं है ये भी नहीं, ये भाई सबसे अलग, देखो भाई सबका घर यहाँ येलो कलर में है, येलो और बैगनी टाइप में, और इसका भाई एकदम अलग ही है सबसे, देखो भाई सबसे अलग। इस बंदे को कौन सी शार्ट चाहिए देखते हैं जरा, स्मार्ट शेड, ये इंटेलेक्चुअल बना सकता है अपने पोकेमॉन को और ज़्यादा। इसको ग्रीन शार्ट चाहिए, यानी कि ब्लू शार्ट फालतू में मैंने ले ली है, ज़रूरत थी अपने को ग्रीन की, अपने को ज़रूरत थी ग्रीन येलो और रेड की, समझे। तो यहाँ पे भी काम हो गया अपना, अब चलते हैं अपने लास्ट जगह पे, जो कि है वर्मिलियन सिटी। वहाँ पे भी एक बंदा अपना इंतजार कर रहा है, मैंने इसे पता लगा लिया ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो भाई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नो नो नो, पैलेट टाउन नहीं, पैलेट टाउन नहीं, अभी अभी जाना अपने को वर्मिलियन सिटी। उसके बाद हम लोग अपनी पिक्चर आज कंप्लीट करने वाले हैं, वीडियो हो सकता है आज की भी छोटी हो, बट डोंट वरी छोटी नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि भाई मैंने मुझे ये पिक्चर इसलिए कंप्लीट करनी पड़ रही, क्योंकि इसके बिना हम लोग मियाउथ की स्टोरी नहीं देख पाएंगे। मियाउथ की स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी मुझे यार, जिसकी मैं मियाउथ कैसे सीखा था हिंदी बोलना, तो उसकी स्टोरी यहीं से शुरू होती है जब ये पिक्चर ख़त्म होगी उसके बाद से। तो हमें वो स्टोरी मुझे दिखानी थी तुम लोगों को, बट इसी वजह से नहीं दिखा पाए, नहीं तो मेरी अगली ये एपिसोड आ रहा है ना इसके वही आता। ये बंदे को चाहिए भाई रेड शार्ट, भाई ये खतरनाक है भाई रेड शार्ट, ये जल्दी मिलती नहीं किसी को, फिर से कलर दिखाना पड़ेगा। तो कौन सा पकवान पिकाचू को देंगे हम लोग, चलो पिकाचू अपना कूल बन चुका है, मतलब सब ने कुछ ना कुछ खास चीज़ें दी है, कोई टफ कर रहा है पकवान, कोई स्मार्ट बना दे रहा है, कोई कूल बना दे रहा है। तो अपनी पिक्चर को चलते हैं ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी, आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया यार, मुझे खुद भी लग रहा है, क्योंकि मैं बताना चाहता था तुम लोगों को। तो विरिडियन सिटी हम लोग चलते हैं अपनी पिक्चर को कंप्लीट करने, आप देखते हैं कि इसमें दम पिकाचू को बोलने का कि पिकाचू के अंदर हिम्मत नहीं या औकात नहीं मेरे जिगली विगली टफ के सामने खड़े होने की, ऐसा बोल रहा था वो बंदा, उसका नाम थोड़ा अजीब सा है, सिकनी पता नहीं क्या नाम उसका, जो भी नाम अभी देख लेते हैं। तो अभी पिक्चर ख़त्म होने वाली है, तो कल के एपिसोड में मज़ा आएगा, फिलहाल पिक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। शिपेल बंक जो भी नाम है, द फिल्म आई एम वर्किंग ऑन इज कॉल्ड पोकेमॉन इन लव, तो पोकेमॉन प्यार में पागल ऐसा कुछ इनका पिक्चर का नाम है, पोकेमॉन प्यार में। तो लेट्स सी इफ योर पोकेमॉन हैज व्हाट इट टेक्स, हाँ देखो हाँ इट्स परफेक्ट, देखा भाई इसने कहा इस बार परफेक्ट है अपना पोकेमॉन, योर पिकाचू हैज़ ऑल द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, आई एम लुकिंग फॉर ए पेयर विथ विग्लीटफ, देखा अपने पिकाचू की भी ताकत इसके बराबर होगी, इसके विग्लीटफ के बराबर, यानी वो भी अब स्मार्ट हो गया अपना पिकाचू भी, तुम लोग भी ऐसे कर लेना। इट्स पावरफुल येट नॉट टू ब्यूटिफुल, इट्स कूल बट नॉट टू क्यूट, एंड इट्स स्मार्ट इनफ टू फॉलो डायरेक्शन, देखा भाई 3 चीज़ें इसने बताई, ये 3 चीज़ें हमें उस बंदों ने दी हैं। वी मस्ट बिगन फिल्मिंग,
एट वंस विद फ्लिटर एंड पिकाचू, दोनों की फिल्म तैयार होने वाली है यहाँ पे स्टेयरिंग इन पोकेमोन लैब। तो स्टार्ट होने वाली अपनी पोकेमोन की मतलब की पिक्चर, देखते कैसे बन रहा है। पिकाचू फिल्म, ये पता नहीं कौन बनता है। मूवी जस्ट ए इट वॉज डायरेक्टेड फेबुलस यो पिकाचू वॉज द परफेक्ट कास्टिंग चॉइस। देखा पिकाचू की तारीफ करता जा रहा है बंदा। टू शो माई ग्रेटिट्यूड फॉर यू प्लीज टेक दिस वंडरफुल टी एम एज पेमेंट। तो इसने मुझे ये कौन सा टी एम भाई, अब खुद का ही टी एम दे दिया इसने। आई विल बी प्रीमियरिंग माई न्यू मूवी एट द सेरुलियन थिएटर ऑन हॉलीवुड बॉलीवर्ड, पता नहीं करेगा बॉलवर्ड। तो भाई इसकी पिक्चर का जो कहते हैं वो होने वाला है, प्रीमियर होने वाला है वो सेलेडॉन थिएटर में होगा, तो हम लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। आई वुड लव फॉर यू टू अटेंड द प्रीमियर, जरूर आएंगे हम लोग देखने भाई। तो भाई प्रीमियर देखने जाना है, हम लोग कल देखने जाएंगे प्रीमियर, और वहीं से स्टोरी स्टार्ट होगी अपनी मियाउथ की। तो मियाउथ की स्टोरी तुमको बहुत मजा आएगा यार देखना, पूरी बहुत मस्त स्टोरी है मियाउथ की। तो मैंने मियाउथ के लिए ये सब किया, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ये दो एपिसोड में छोड़ सकता था आगे, बट मैंने सोचा यार मियाउथ की स्टोरी तुम लोग को बतानी चाहिए। मैंने 3 घंटे भी दिए अपने भाई, ऐसे नहीं मिला मुझे ये 3 और 60, और टाइम लग गया। अगर चिट के बिना, चिट से तो आराम से मिल जाएगा, तुम लोग चिट लगाओ जिसको लगाना है भाई, मैं तो नहीं लगाता और ना मुझे कभी लगाना पसंद है चिट, कभी बहुत मुश्किल हो जाए तो भले मैंने अभी तक लगाया नहीं, पहले बता दूँ साफ साफ। सो हम लोग कल जाएंगे सेलेडॉन सिटी में। तो यार हम लोग का पिक्चर जो बन चुकी है, मतलब पिक्चर यहाँ फिर सब हो चुकी है, रिकॉर्डिंग अब आएगी, पिक्चर तैयार हो रही है, और ये बंदा प्रीमियर करेगा सेलेडॉन सिटी में। तो सेलेडॉन सिटी हम लोग जाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई गुड नाइट। और नहीं होते यार लाइक कर देना, मतलब कि सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करो यार तुम लोग, लाइक नहीं करते जल्दी, लाइक कर दिया करो। मैं कुछ एम नहीं रखता, कई बंदे कहते हैं कि भाई एम रखा करो, भाई एम नहीं रखता, मुझे यकीन है कि तुम लोग कर दोगे लाइक, इसलिए मैं कुछ एम नहीं रखता। फिलहाल चलते हैं अपने घर में, थोड़ी देर सोएंगे आराम से भाई, बाद में जाएंगे। तो मैं करता हूँ गेम को यहीं पे सेव बिना देर के हुए, और हम लोग कल जाएंगे भाई अपने सफर से आगे बढ़ते हुए आगे। अपना तो फिल्म बन गई, पिकाचू अपना हीरो बन गया भाई, आज हीरो का रोल निभा के आया है भाई, किसी से कम थोड़ी ना है। बाय बाय टाटा।